जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, बात करेंगे प्रतिदिन तरह आज की अपडेट की और जो आप लोग मेरे से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनकी काफी सारी अपडेट है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो साथियों, बात करते हैं सबसे पहले जो आज की अपडेट है उसके बारे में। तो साथियों, सीसीएस यूनिवर्सिटी के नई शिक्षा नीति के तहत जो एग्जाम फॉर्म भरे गए थे फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के, उनके आज से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो सभी सम्मिलित होने वाले स्टूडेंट को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, उनके एग्जाम बहुत अच्छे से हो मैं ऐसी कामना करता हूँ। बात करते हैं साथियों दूसरी बड़ी अपडेट की। तो सीसीएस यूनिवर्सिटी के जो बीएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के एग्जाम फॉर्म भरे जा रहे थे, तो उसकी जो लास्ट डेट है 22 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। 22 अप्रैल तक आप अपना एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं बीएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के लिए या बैक के लिए। तो आप अपना बीएड में यदि आपका एडमिशन है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में और किसी कारण से आप अपना एग्जाम फॉर्म नहीं भर पाए हैं, तो वो आप 22 अप्रैल तक भर सकते हैं। बात करते हैं साथियों जो आप लोग मेरे से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसके बारे में। तो साथियों, बच्चे सबसे ज्यादा परेशान है अपने रिजल्ट को लेकर कि उनका फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट कब तक आएगा। फिर चाहे वो बीबीए का हो, बीसीए का हो, बीएलएलबी का हो या एलएलबी का हो, तो फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट को लेकर काफी चिंतित हैं। तो साथियों, जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट है उसमें हो सकता है अभी टाइम लगे, क्योंकि कुछ कॉलेजों के जो प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं वो सबमिट नहीं हुए हैं और कुछ कॉलेजों ने अभी तक उनके प्रैक्टिकल नहीं हुए हैं। तो हो सकता है जो आपका रिजल्ट है, जिन कॉलेजों के प्रैक्टिकल के मार्क्स सबमिट हो गए हैं और जिनके प्रैक्टिकल हो चुके हैं, तो उनका जो रिजल्ट है हो सकता है इस वीक में आ जाए। लेकिन अगर रिजल्ट सबमिट नहीं हुए हैं, प्रैक्टिकल के मार्क्स सबमिट नहीं हुए हैं, तो हो सकता है उनको अभी वेट करना पड़े। तो यानी कि आपका 25 तारीख के आसपास तक आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जाएगा। तो जैसे ही कोई रिजल्ट डिक्लेयर होता है उसके लिए मैं वीडियो अपलोड करता हूं इसी चैनल पर। तो साथियों, ऑलमोस्ट मैंने सब सारी चीजें आपको क्लियर कर दी हैं। यदि अभी भी आपको कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर यस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ तरह की इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।